I can feel it in my bones. I'm really enjoying styling right now because like these ear cuffs, bangles, choker and all. मैं पहले ऐसा कुछ भी नहीं करती थी, so maybe this is what growing up feels like. But hi, welcome to today's video. सबका अपना ट्रेडिशनल का स्टाइल बहुत अलग होता है, so I want to put together a video where I show very very different styles for Ganpati outfits, like Ganesh Chaturthi outfits for this year. I've tried to keep everything on the budget friendly side, so let's begin the video. Let's make way for the first one, which is this mint green pastel green dhoti and short kurti set. मैंने जल्दी से मेरे pants के साथ इतना experiment नहीं करती, but boy, this silhouette was very very nice. जो cut है ना कुर्ती का वो बहुत अच्छा है because it fits very well from the waist and इसका एक फन एलिमेंट मुझे पसंद आया कि जो बॉटम ऑफ द कुर्ती है वो ट्रांसपेरेंट है, लाइक शेयर है, लाइक इट स्टार्ट्स जस्ट वेयर द धोती इज आल्सो बिगिनिंग, तो ऐसा रिवीलिंग नहीं है बट एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है. ये सेट मैंने लिया 892 का एंड इफ यू डू वांट अ थ्री पीस, लाइक अगर आपको दुपट्टा भी चाहिए ना, आई वुड रेकमेंड कि उसको आप ऐसे कैरी करें लाइक विद बोथ हैंड्स राइट आउट हियर. आई बॉट दिस वन दुपट्टा फ्रॉम ऑरेलिया फॉर 599. उस पर हल्की सी शिमर है, लाइक इट हैज स्ट्राइप्स ऑन व्हिच आर स्लाइटली शिमरी, सो इट्स नॉट इन योर फेस एंड गोज वेल विद दिस सेट. सेकेंड आउटफिट वॉज सच अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर क्योंकि इतना ब्यूटिफुल कलरफुल आउटफिट गॉट माई आई इंस्टेंटली जब मैंने इसको मिंत्रा पे देखा था. सो दिस वन हैज अ वेरी कलरफुल दुपट्टा व्हिच हैज नाइस ज्योमेट्रिक प्रिंट ऑन इट. कुर्ता एकदम ऐसा स्टिफ मटेरियल है पूरा ये सूट का. द कुर्ता हैज टाइप्स विद लाइक टैक्सल्स ऑन इट, देयर ऑल मल्टी कलर, लिटिल वर्क ऑन द नेक लाइन एंड द बॉटम हैज अ वेरी प्रिटी प्रिंट. मेनली मैंने लिया क्योंकि इसमें जो स्टाइलिंग फोटो था ऑफ हाउ दे वोर इट विद अ बेल्ट, दैट इज हाउ आई ऑल्सो इंटेंड टू वेयर इट. This one also 1329, but just know that the material is very, very, very thick. So I think that is why the price point is how it is. And it's a very unique, it's a very, how to put it, organic feeling suit. ये आउटफिट ना वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल फाइंड्स था मेरा ये स्प्री का, लेकिन इट हैज अ वेरी रीगल वेरी रॉयल फील टू इट बिकॉज ऑफ द कलर. इट्स अ ब्यूटिफुल एमरल्ड ग्रीन कलर. दिस सूट वॉज ओनली फॉर 749, लेकिन द फिनिश ऑफ द फैब्रिक हैज अ स्लाइट शीन टू इट एंड द दुपट्टा ऑल्सो हैज लाइक अ लिटिल गोल्डन बॉर्डर ऑन इट, सो यू कैन स्टाइल इट विद अ बेल्ट इज वेल और वेयर इट लाइक अ स्कार्फ जस्ट लाइक हाउ दे हैड शोन इट ओवर हियर. इफ यू वांट टू मेक लाइक अ स्टेटमेंट एंड यू लुकिंग फॉर समथिंग सिंपल डिजाइन वाइज, हमेशा डार्क कलर्स ना एकदम से बहुत उठ के आता है कोई भी स्किन टोन पे यूनिवर्सली एंड स्ट्रैपी कुर्तीज आर माई थिंग, सो ऑफकोर्स आई तो फेल इन लव विद इट ओनली. फिर आता है अनदर डिफरेंट स्टाइल. नाउ दिस वन हैज फुल स्लीव्स. आई यूजुअली फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड फ्लैटरिंग आउटफिट जैसे फुल स्लीव पे. फ्लैटरिंग से मेरा मतलब है जो मुझे ऐसा पसंद है जिसमें कुछ ऐसा ड्रामा हो, ऐसा एकदम लूज था मुझे जल्दी से नहीं अच्छा लगता. ये सूट पे फॉइल वर्क है पूरा, बट टू मेक श्योर की डोंट पुट इट इन द मशीन और लाइक हैंड वॉश इट अप बिकॉज देन इट कुड कम इन जेपर्डी. इसको ड्राई क्लीन ही करना बेटर है. फॉइलिंग बहुत ही सुंदर है ऑन द स्लीव और कुर्ती के बॉटम के एज पे. वन ऑफ माई फेवरेट एस्पेक्ट इज द शेप ऑफ द बॉटम क्योंकि वो इतना मस्त फ्लो होता है. दिस नॉट लाइक अ स्टार्क ऐसा कट की अच्छा यहाँ तक स्ट्रेट और फिर वो नहीं हो रहा है इसमें, इट्स जस्ट परफेक्ट. और दुपट्टा जो है वो सॉफ्ट शिफॉन टाइप से, तो आप इसको चोकर की तरह भी पहन सकते हो एंड यू कैन स्टाइल इट लाइक अ फुल दुपट्टा ऑन वन आर्म, सो दैट इज समथिंग दैट आई रियली लाइक. ये सेट था 980 रुपीज का. नेक्स्ट अप वी हैव दिस येलो शरारा. अब एक्चुअली फोटो में देखकर मुझे लगा था कि दिस विल हैव लाइक अ जॉर्जेटी शिफॉनी फील, मतलब बेसिकली मोर फ्लोइंग फैब्रिक. नहीं था, ये एक्चुअली कॉटन था एंड वन डिसअपॉइंटमेंट इज कि ये ट्रांसपेरेंट तो गलत वर्ड है बट ट्रांसलूसेंट है. लाइक आई कुड सी द लॉन्जरी फ्रॉम इनसाइड इवन दो आई वाज वेयरिंग लाइक अ न्यूड ब्रा, बट इफ यू डू वेयर अ स्लिप इनसाइड देन दिस कैन वर्क बिकॉज इसका फ्लो अच्छा है. नॉट एवरी शरारा इज गुड लुकिंग, लाइक आई फाउंड दिस वन पिंक शरारा जो मैंने ऑर्डर भी किया है बट वो मुझे बहुत छोटा हो रहा था, आई कुडंट इवन ट्राई इट ऑन एंड शो यू. इसमें जो घेरा है ना वो बहुत ही ज्यादा पूफी है, सो दैट आई डोंट लाइक. द येलो शरारा हैज अ करेक्ट कट ऑफ द बॉटम. इवन द कुर्ता इज वेरी प्रिटी, द दुपट्टा हैज स्ट्राइप्स ऑन इट एंड ओवरऑल इट्स अ वेरी कोहेसिव आउटफिट. ये था रुपीज 1199 मतलब 1200 का. आई लव बैकलेस थिंग्स एंड लाइक यूनिक थिंग्स एंड इवन दैट बोहो गर्ल कृतिका खुराना वॉज वेरिंग अ वेरी सिमिलर बैक कट ऑन हर हल्दी डे. दिस कुर्ता सेट फ्रॉम अनूक एंड इसका बैक बहुत ही ज्यादा प्रिटी है, इसी की वजह से मैंने ये सेट लिया था. द ओनली थिंग इज की व्हेन इट्स कम ना वो इन पर्सन इतना हैवी प्रॉपर ऐसा गणेश चतुर्थी वाला वाइब नहीं दे रहा है, विच आई एम अ लिटिल बम्ड अबाउट कि काश ये थोड़ा कुछ तो इसमें मिरर वर्क या कुछ होता एंड आई वुड हैव बीन ओके टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट इफ आई वाज व्हाट इट टुक. मतलब जो फोटो में ऑनलाइन फोटो में जितना उठा वाला ना उतना वो कलर और फैब्रिक का उठाव
पैटियालिटी में नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसका जो शेप है कुर्ते का, कट है, एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल. इवन तो मैंने ऑर्डर तो यही पर्पज से किया था, आई माइट नॉट वेयर इट फॉर गणेश चतुर्थी, आई माइट वेयर इट फॉर समथिंग एल्स, बट इफ यू लाइक वेयरिंग सिंपलर प्रिंट्स, अगर आपका ये टेस्ट है, देन दैट इज व्हाई आई एम इंक्लूडिंग इट इन द वीडियो की देन यू कैन ट्राई, क्योंकि सबका टेस्ट अलग होता है. आई डोंट थिंक एनीबडी शुड बी जस्ट फॉर वेयरिंग फुल स्लीव्स और फॉर वेयरिंग बैकलेस, टू ईच देयर ओन. ये सेट था 1484 का, आई थिंक इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द बैक, बट I really like it. Hold your breath for this one because this outfit I think is my favorite from all the things I tried. This and the second last one, it has to be a tie between them. But this one is my favorite full sleeve outfit that I've tried recently because the way it fits upar se and then the way it flows from bottom is just beautiful. This bengani purple violet colored two piece set. It has a palazzo and it has a very long ghera wala kurti. Kurta. What's the difference between a kurti and kurta? I think kurtis are like short and kurtas are long. If there's any more difference, let me know. Foil work hai iske top pe and on the sleeves. Even the pants have quite a lot of foil work, I think up to the knee. But this one does not come with a dupatta. So, I have ordered this with it. I ordered a heavy kota patti dupatta from a brand called Dupatta Bazaar. On sale, I think I got it for 89 or something. This is with it, I don't think 100% match ho raha after trying it in person. But still, the dupatta is quite heavy. If you have something else in mind, then you can pair it with that. Outfit itself was for 999. Definitely a must keep. Its fabric is very similar to orange wale set ke fabric se. Like a very thick fabric. Halka sa jute feel to it, like you know fibers wala feel to it. It's not the typical cotton material, so that is something that I think you would like to know before. मतलब ये ऐसी चीज है जो ऑनलाइन देख के पता नहीं चल सकती, वो सिर्फ आई कैन टेल यू और समबडी हू ट्राइड इट कैन टेल यू. एंड द लास्ट आउटफिट व्हिच आई नो दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर इज दिस सेट, एंड ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है मोर देन एनी अदर फैशन कोशेंट. दिस इज अ शर्ट एंड पैंट सेट एंड द शर्ट हैज अ ब्यूटिफुल बैग, इट हैज अ ट्विस्ट एंड बाकी पूरी बैग ओपन है, तो इसके साथ आप एक स्टिक ऑन ब्रा पहन सकते हो जस्ट लाइक द रेड टाइप वाला कुर्ता, उसमें भी स्टिक ऑन ब्रा बहुत इजिली वर्क कर जाती है. ये भी अनूक से, आई थिंक अनूक इज रियली एक्सपेरिमेंटिंग इन टू different types of cuts and we are here for it. This was for 1394 and I think it looks very smart. Model in I think small hai, aisa kuch pehle se unka shirt is shorter, mine is much longer because I am wearing a large right now because my lower half na wo thoda heavy hai, to mujhe large to chahiye rehta hai for the pants and that's why I have to stick with a large for the shirt as well. To please see skirt agar aana hai aise loose fit rakhna hai to bhi it's not a problem, lekin jo halka halka sa bandage print hai iske upar, jab bhi you don't want to wear like a suit or something in the mood for Indo Western, completely jeans kurta ka matlab aisa kuch try kar sakte ho, which is a very good spin off on Indian on Indo Western. And these were all my budget picks from Myntra for completely different styles and to make sure there's something for everyone. As per usual, I do want to give you more options in case you're looking for something heavier. If you want something which has work on it but it's still dainty and pretty, then you need to head over to H&K, which is my own brand, Haley and Kumar. That range is completely sustainable and that is what I'm most happy about more than anything else. The fabrics are handpicked, they're very very soft, natural dyes have been used and there's like no wastage whenever you buy anything from our Indian wear range. That is the goal, to just head there in that direction. And the cuts are also very unique. I like this pasted blue sharara. Every time I wear it, I get questioned on Instagram and in person ki it's a very pretty like entire. It's like a fairy jaisi vibe aati hai uski. So where's that from? It's from H&K. And in this drop we have 5 different outfits. So you should check that out if you're looking for that. Agar aapko isse bhi heavy kuch try karna hai, which has more work on it, more heavy in general, then local boutiques are your thing to hit. If you're looking for under rupees 10,000 budget, if you stay in Mumbai and if Borivali is accessible to you, then Mosh Plaza has a lot of stores jisme alag alag boutiques hai, so take your time, go there aram se, but do remember ki alteration ko kabhi kabhi ek do din lagte hai, to advance mein jana, don't wait for the very last moment. And that's my guide for you for Ganesh Chaturthi 2022. If you are not in the mood to shop, then I hope you enjoyed just watching the haul. I hope it made you feel like ki your closest friend has come shopping se and can't wait to show you what all we got. And if you did want to shop, I hope you found something helpful in this video. Do get a thumbs up if that happened, and if you did not enjoy watching this video, then now get a thumbs down. I will see you in a brand new video very very soon. Until then, goodbye.